एक समय की बात है, एक गांव में एक माँ और बेटी रहती थी। दोनों माँ बेटी गणेश जी महाराज की पूजा पाठ किया करती थी। उनको भोग लगाने के बाद ही वे दोनों खाना खाया करती थी। माँ गाय चराने जाती। एक दिन माँ ने बेटी से कहा, बेटी मैं गाय चरा कर आती हूँ, तेरे लिए व मेरे लिए दो रोट बना लेना, फिर तू और मैं दोनों गणेश जी महाराज की पूजा करेंगे, फिर उसके बाद खाना खाएंगे। बेटी ने माँ के कहे अनुसार एक रोट तो तैयार कर लिया। इतने में गणेश जी भगवान एक जोगी का वेश धारण कर आए और बोले कि माई भिक्षा दे दो। बेटी ने कहा, मेरा रोट अभी सीखा नहीं। तो जोगी महाराज ने कहा, तो फिर मैं जाता हूँ। बेटी ने सोचा कि जातक को कभी खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए और उसने माँ के रोट में से किनार खांडी करके जोगी महाराज को थोड़ा रोट दे दिया। माँ गायें चरा कर आई, बेटी से बोली कि बेटी मेरा रोट कहाँ है, अपन दोनों पूजा करते हैं। तब खंडित रोट को देखकर माँ तो बावली हो गई। वो घी रोटो दे रोटा मैली करा दिया, कहती पागल होकर नगरी में घूमने लगी। बेटी माँ के पागलपन से डर के मारे पीपल के झाड़ पर बैठ गई। 3-4 दिन तक निकले बेटी भूखी प्यासी बैठी रही, तो गणेश जी महाराज को उस पर दया आ गई। गणेश जी भगवान ने उसके लिए पानी का लोटा व थोड़ा चूरमा भेज दिया। एक दिन एक राजा का कंवर शिकार खेलने आया और उसी पीपल की ठंडी छाया में बैठा और बोला कि कितना अच्छा होता कि पीने को थोड़ा पानी मिल जाता। ऐसा सुनते ही लड़की ने थोड़ा पानी डाला। फिर राजा के कंवर ने कहा कि मुझे बहुत जोरों की भूख लगी है, कोई खाने को दे दो तो अच्छा होगा। तो लड़की ने ऊपर से चूरमा डाला, कंवर की भूख प्यास मिट गई। वो विचार करने लगा कि यहाँ पर तो कोई है। यह सोचकर राजा ने अपने सिपाहियों को पीपल के पेड़ पर खोजने के लिए भेजा। उन्होंने सब जगह देखा, उन्हें कुछ नहीं मिला। तो राजा का कंवर खुद पेड़ के ऊपर चढ़ा और ढूंढने लगा, तो वो लड़की मिल गई। राजकुंवर ने कहा कि तुम कौन हो। तब लड़की ने अपनी सारी कहानी कह सुनाई। राजा के कंवर ने कहा कि मेरे साथ शादी करोगी। तो लड़की बोली, आप तो नगरी के राजकुमार हो, मैं तो गरीब और अनाथ लड़की हूँ, मेरे तो कोई नहीं है। पर राजा जी तो नहीं माने, गाजे बाजे के साथ उस लड़की से पीपल के नीचे ब्याह कर घर गए। बहुत दिन बीते। एक दिन माँ घूमती घूमती महल के बाहर पहुँच गई और आवाज देने लगी कि घी रोटो दे, घी रोटो मैली कोर दे। बेटी छत पर खड़ी देख रही थी। रानी ने सिपाहियों को भेजकर माँ को बुलाया और एक कमरे में ठहराया, कमरा बंद कर दिया। एक दिन राजा जी ने सारी कमरे की चाबियां मांगी, तो रानी ने 6 कमरे की चाबियां तो दे दी, पर 7वें कमरे की चाबी नहीं दी। राजा ने जिद करके 7वें कमरे की चाबी लाकर 7वां कमरे का दरवाजा खोला,
तो आगे सोने की शिला देखी। राजा ने रानी से पूछा कि रानी जी ये सब क्या है। रानी ने कहा ये मेरे पीहर की भेंट है। राजा बोले हमको आपका पीहर देखना है। रानी ने कहा मेरे पीहर तो है ही नहीं, आप तो मुझे पीपल के पेड़ के नीचे से ब्याह कर लाए थे। राजा हट करने लगे तो रानी गणेश जी भगवान से विनती करने लगी और सवा पहर का पीहर वासा मांगा और राजा रानी पीपल के पेड़ के नीचे आए। वहाँ पर गणेश जी महाराज की कृपा से सारा कुटुंब समाया हुआ था। कोई कहे मौसा जी आए हैं, कोई कहे जीजा जी आए हैं, तो कोई कहे फूफा जी आए हैं। राजा रानी का अच्छा सत्कार हुआ। राजा को परिवार देखकर बहुत आनंद हुआ। एक पहर पूरा हुआ, रानी घर चलने को कहने लगी। राजा बोले कि इतना बढ़िया ससुराल इतनी जल्दी नहीं छूटेगा। अब तो रानी कुंवर के चिकोटी काटने लगी और उसे रुलाने लगी और कहा मेरे तो कुंवर रो रहा है, आप राजा जी यहाँ से जल्दी चलो। राजा रानी को पीहर वालों ने खूब धन दौलत दिए और खुशी खुशी विदा किया। जल्दी जल्दी में राजा जी अपने पैरों की मोचड़ी व घोड़ी का ताजना वहीं भूल गए। थोड़ा आगे जाते ही राजा को याद आई तो सिपाहियों से कहा रथ को वापस घुमाओ, मेरी घोड़ी का ताजना और पैरों की मोचड़ी वहीं रह गई है। रानी कहने लगी कि राजा जी बस इतनी सी चीज के लिए वापस क्यों जाते हो, इतना धन तो उन्होंने दिया है। राजा ने एक न सुनी और पीपल के नीचे गए तो देखा वहाँ राजा जी का सामान पड़ा है, पत्ते उड़ रहे हैं पर कोई परिवार वैभव नहीं था। राजा बोले कि रानी ये सब क्या माजना है। रानी बोली कि मैं और मेरी माँ बचपन से ही गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करते थे और मैंने गणेश जी महाराज से सवा पहर का पीहर वासा मांगा था। मेरी तो एक ही माँ थी जिसका रोटा खंडित होने पर वो पागल हो गई थी। घूमते घूमते महल के नीचे आई तो मैंने उसे बुलाकर कमरे में बंद कर दिया तो गणेश जी भगवान की कृपा से वो भी सोने की शिला हो गई। इतने सुनते ही राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि हर कोई गणेश जी भगवान की पूजा पाठ करेगा, उनका व्रत करेगा, उनका नित्य नियम निभाएगा जिससे पीहर वासा सभी को खुशी खुशी मिल सके। तो हे गणेश जी महाराज, जैसा आपने रानी पर प्रसन्न होकर उसे सवा पहर का पीहर वासा दिया, वैसे आपकी कहानी सुनने वाले होकारा भरने वाले सबकी मनोकामनाएं पूरी करना, सबको अमर सुहाग और अमर पीहर वासा देना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।